ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, और इसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो हम लोग कर रहे थे। और इसमें जो है तो 6-7 एमसीक्यूज कर लिए थे। अब हम लोग कुछ और एमसीक्यूज करेंगे जो रिलेटेड टू बोर्ड हैं और जो आपके प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है, और जो आपके SLO बेस सिलेबस में भी हैं और मॉडल पेपर वगैरह में भी हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उस लिहाज से आपने ध्यान से चैप्टर करना है, ठीक है। अब बेटा ये MCQ नंबर 1 है कि एक मैट्रिक्स है 1, 3, 5, 2, 4 और एक मैट्रिक्स एक्स है, कैपिटल एक्स, और इज इक्वल टू, ये आपके पास एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 बाय 3 है। तो अब आपको कह रहे हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स, यानी मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो बेटा देखिए, पहली बात तो आपको याद होगा कि जब भी दो मैट्रिसेस हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल ये होता है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद बराबर होती है। यानी हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अच्छा बेटा, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो आपका जो मैट्रिक्स आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें देखिए जिसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 है, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर देखिए आपके पास ये है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर देखिए बेटा आपके पास है, यानी 3 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है। अब देखिए जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 बाय 3 है। अब देखिए सेकंड मैट्रिक्स आपको मैंने बताया कि तभी होगा, देखिए मल्टीप्लाई होगा कि जब पहले मैट्रिक्स के यानी कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद बराबर हो। तो बेटा देखिए जो सेकंड मैट्रिक्स एक्स है इसका लाजमी तौर पर ऑर्डर क्या होना चाहिए, देखिए आपके पास 2 रोज, अपना 3 रोज और 2 कॉलम भी होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों, आपके पास देखिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं और रोज 3 है। तो आपको पता है कि पहले मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए देखिए जो आपके पास ये, और एक और चीज़ बेटा देखें, बल्कि देखें अब देखिए इसमें कॉलम की तादाद कितनी है, 2 है, और रोज की तादाद भी आपके पास कितनी है, रोज की तादाद यानी क्या होगी, 2 होगी, यानी 3 बाय 2 होगा, सॉरी। या आपके पास क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा, ठीक है। यानी पहले मैट्रिक्स में देखिए आपके पास कॉलम की तादाद कितनी है, 2 है, और दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। अब बेटा देखिए आपको याद होगा कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आपके पास है, एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आपके पास है m × n, और दूसरा मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर l × k है। तो देखिए जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं ए बी, तो आपके पास क्या था, पहले मैट्रिक्स की रोज और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम भी आता है, ठीक है। अब बेटा देखिए आपको जो पहला मैट्रिक्स आपके पास जो उसका ऑर्डर 3 × 2 है, एक्स का 2 × 3 है, ठीक है। और रिजल्टेंट देखिए आपके पास क्या आ रहा है, रिजल्टेंट आपका 3 × 3 आ रहा है, ठीक है ना। रिजल्टेंट देखिए जो आपके पास आ रहा है, रिजल्टेंट आपके पास आ रहा है 3 × 3, देखिए ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 × तो ये देखिए 3 × 3 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो मैट्रिक्स एक्स है उसका ऑर्डर 3 × 2 होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। ये आप ऑप्शन सी को टिक कर देंगे, ठीक है, ये ऑप्शन सी, 3 रोज और 2 सॉरी, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3, 2 रोज और 3 कॉलम, ठीक है।
तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आ जाए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। प्रिय स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू नंबर 2 है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, अब देखिए इसका फर्स्ट रो है 100, सेकंड रो -310 और थर्ड रो 221, इसका रैंक क्या होगा। बट आपको याद होगा कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो आप यहाँ लिखेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब बेटा आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए जो पहली रो है इसमें भी एक फर्स्ट रो में एक नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, ठीक है। तो सेकंड रो में भी एलिमेंट 0 के अलावा -3 1 है, और थर्ड रो में तो तमाम एलिमेंट 0 के अलावा है। इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 3 है। 0 रोज, अगर तमाम एलिमेंट 0 हो तो इसे कहेंगे 0 रोज, और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मतलब 0 के अलावा कम से कम कोई एक एलिमेंट हो। तो आप देख रहे हैं कि इसमें तमाम जो रोज हैं वो नॉन जीरोज हैं, इस वजह से इसका देखिए रैंक आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी को आप टिक कर देंगे या बबल को फिल कर देंगे, ठीक है। अब आ जाए एमसीक्यू नंबर 3 के ऊपर। बच्चों ये एमसीक्यू नंबर 3 है कि फर्स्ट डिटरमिनेंट है 2323915061 इज इक्वल टू अल्फा, और सेकंड डिटरमिनेंट है 212115021, देन अल्फा इज इक्वल टू। बेटा देखिए ये दो डिटरमिनेंट हैं और आपने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं क्या करूँ कि पहले स्टेप में देखिए आपके पास ये, मैं इसे सिम्प्लीफाई करके बताया था, देखिए 232 और फिर देखिए 3915061 इज इक्वल टू अल्फा, और ये 212115021। तो बच्चों देखिए आप पहले स्टेप में क्या करेंगे, आप रो 2 से 3 कॉमन ले लें, ठीक है। जब आप रो 3 से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें 230, और आपने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा 132, और ये 215 और 1 एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू ये अल्फा और 212115021। अब बेटा आपने क्या करना है कि आपने कॉलम 2 से कॉमन ले लेना, कॉलम 2 से। यहाँ पे आपने क्या किया था कि रो 1 से कॉमन लिया था, ठीक है, रो 1 से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कॉलम 2 से आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉलम 2 से जब आप कॉमन लेंगे, देखिए ये 3, और कॉलम 2 से आपने कॉमन ले लिया 3, और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए ये 212, यहाँ देखिए आएगा 115 कॉलम 2 से, और ये 021 इज इक्वल टू, देखिए ये आपके पास आ गया अल्फा, और ये 212115021। बच्चों देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 3 9, तो ये 3 3 9 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आप डिटरमिनेंट लिख देंगे, देखिए 212115021 इज इक्वल टू, और यहाँ पर देखिए अल्फा, और इज इक्वल टू 212115021। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास देखिए अल्फा, आपके पास ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 9, देखिए दोनों डिटरमिनेंट ये सेम आ गए, ठीक है, लेफ्ट और राइट पे, और अल्फा आपके पास क्या आ गया, 9 आ गया। अल्फा आपके पास आ जाएगा 9, इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ये ऑप्शन सी को आप फिल करता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 3 था।
अब आ गया एमसीक्यू नंबर 4 के ऊपर। और जो एमसीक्यू नंबर 4 है कि 4 है स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक है, हार्मिशियन है, स्क्यू हार्मिशियन, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू हार्मिशियन है। तो बेटा देखिए, आपने याद रखना, जब भी किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके उस मैट्रिक्स ए से माइनस करेंगे तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक आपको याद होगा, ये डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक की ना। क्या होता था कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ, यानी किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करने के बाद अगर दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए माइनस के साथ तो डेट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। आप देखेंगे कोई भी एक मैट्रिक्स हो, आप ये चेक कर लीजिएगा। देखिए जैसे मैं एक मैट्रिक्स ए लिख रहा हूँ, यानी एग्जाम्पल ये मैं दे रहा हूँ, ये मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 2 1 0, और इसका ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा 1 1 2 0। फिर देखिए जब आप इसको माइनस करेंगे, ए में से ए ट्रांसपोज कर देंगे आप, और फिर देखिए जब आप ए में से ए ट्रांसपोज करने के बाद जब आप करेंगे इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप देखेंगे वो आएगा आपको माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, लाजमी तौर पर तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 5 के ऊपर। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 5 है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट है, पहला कॉलम 1 2 3 है, फिर सेकंड कॉलम 2 3 3 है, और थर्ड कॉलम 3x 6x 9x है। तो बेटा देखिए, वैसे तो देखिए आप यहाँ से जब कॉलम 3 से 3x कॉमन ले लेंगे तो थर्ड कॉलम में आ जाएगा 1 2 3, और आपको याद है किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, यानी सेम हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। आप इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो। ठीक है, अब देखिए पहला कॉलम है 1 2 3, सेकंड कॉलम 2 3 3, और थर्ड कॉलम 3x 6x और 9x। बच्चों सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि कॉलम 3 से आप कॉमन ले लेंगे 3x। जब आप यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3, और ये 2 3 3, और ये आपका 1 2 और 3 आ जाएगा। बट आप देख रहे हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल है। कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, मतलब सेम। देयरफॉर आपके पास ये क्या हो जाएगा, देखें ये 3x और ये मल्टीप्लाई बाय ये पूरा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी जीरो। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया जीरो। जब आपको याद होगा कि दो कॉलम या दो रोज एक जैसे हो डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए इसका मतलब ये है आपका ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट है, ऑप्शन डी। अब आ जाए एमसीक्यू नंबर 6 के ऊपर। स्टूडेंट्स अब एमसीक्यू नंबर 6 है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज ट्रू। यानी आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आर्गुमेंट ठीक है। यानी ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू माइनस ए डिटरमिनेंट, ऑप्शन बी है ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट, ऑप्शन सी है कि ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट, और फिर ए स्क्वायर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए मोर ए डिटरमिनेंट। ठीक है,
बेटा आपने याद रखना है, वैसे अगर आप एक मैट्रिक्स है और उसका एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें और फिर उसका ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकालें तो रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। यानी आपने याद रखना क्या होता है कि ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट आता है सेम, ठीक है। आप देखिए कि एग्जाम्पल जैसे आपको मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए आपके पास ये है, एग्जाम्पल देखिए जैसे आपका एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 3 2 4, ठीक है। जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ए डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में नेगेटिव साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, बच्चों ये आपके पास आ जाएगा -2 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब आप इसका करें ट्रांसपोज, जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालें, अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और दरमियान में नेगेटिव साइन, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बच्चों ये भी आपके पास आ जाएगा -2। तो कि इसका मतलब ये है कि अगर आप एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें और ट्रांसपोज करके उसका डिटरमिनेंट निकालें, रिजल्ट विल बी द सेम, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। तो अब आ जाए स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स आप एम सी क्यू नंबर 7 है कि इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू x111 एंड ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन एक्स इज, बट आपको याद होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। देखिए जब आप इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे ये आपके पास आ जाएगा x11, तो अब बताओ ये आपके पास देखिए आ जाएगा ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, यानी ये 1 मल्टीप्लाई बाय x, दरमियान में नेगेटिव साइन, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब बच्चों ये आपके पास आ जाएगा ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू x-1, और आपको याद होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि वी नो दैट सिंगुलर मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा ए डिटरमिनेंट, देखिए x-1 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन सी को आप कलर कर देंगे, ठीक है। तो अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 8 के ऊपर। बच्चों ये एमसीक्यू नंबर 8 है कि इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इनटू एन, ठीक है, देन माइनर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एनी एलिमेंट एलिमेंट हैज ऑर्डर, यानी आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर एम इनटू एन है, तो जब आप उसका माइनर निकालेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा। तो बेटा देखिए वैसे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, मगर आपको देखिए मैं जैसे समझा देता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके मैट्रिक्स ए है, जब आपने लिखा मैट्रिक्स से जैसे लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऑर्डर 3 बाय 3 है, ठीक है, और इसका ऑर्डर आपका देखिए 3 इंटू 3 है। अब आपसे मैं कहता हूँ कि आप फाइंड करें M12 या M11, ठीक है ना, -1 1। M11 का आपको याद होगा, इसका मतलब ये है आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, देखिए आपका ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम है, तो आपको बता दीजिएगा 5 6 8 और 9। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर में से एक रो और एक कॉलम कम हो जाएगा, ठीक है। अब इस लिहाज से देखिए इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपके पास कौन सा, ऑप्शन डी है।
जब भी आप माइनर निकालेंगे तो एक रो और एक कॉलम कम हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 9 के ऊपर। स्टूडेंट, ये एमसीक्यू नंबर 9 है कि एक मैट्रिक्स ए है, इसमें लिखा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A12। A12 का मतलब होता है को फैक्टर्स। को फैक्टर्स आपको याद होगा कि आप इस तरह निकालते थे, को फैक्टर्स। अब देखिए, जैसे आपने निकालना है A12, A12 के लिए आपको याद होगा कि आप यहाँ लिखते थे -1 और 1+2, और इसका मतलब ये है आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना। फर्स्ट रो देखिए आपके पास ये है, ठीक है, फर्स्ट रो आपके पास ये है और सेकंड कॉलम आपके पास ये। इसको आपने डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा डेट इज कॉल्ड को फैक्टर्स। देखिए ये आपके पास आ गया, देखिए 2, 3 और 8, 9, ये आपके पास आ गया, ठीक है। और फिर बेटा आपको याद होगा, देखिए ये आ जाएगा -1 की पावर 3, और फिर आपको याद होगा कि आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, दरमियान में नेगेटिव साइन। तो ये देखिए आपके पास आ गया 9 टू द 18 और 8 थ्री द 24। अब आपको याद होगा जब भी पावर ऑड हो तो नेगेटिव रिमेन्स नेगेटिव। ये -1 और 18 -24 आपके पास आ जाएगा -6, और फिर देखिए -(-+6). इस लिहाज से आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को फैक्टर्स A12 आप इस टाइम निकाल पाएंगे, ठीक है। अब आ जाए एमसीक्यू नंबर 10 के ऊपर। बच्चों ये एमसीक्यू नंबर 10 है, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये पहला कॉलम 1 0 0, दूसरा कॉलम 2 0 0 और थर्ड कॉलम 3 2 0। तो बट आपको याद होगा कि रैंक रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है। तो ये हम लिखते हैं रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। बट आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ नो जीरो रोज कितनी है, 2 है, ठीक है, क्योंकि एक में देखे 0 0 2, एक एलिमेंट 0 के अलावा है। तो यहाँ पर नंबर और ऑफ नो जीरो रोज इक्वल टू कितनी है, 2 है, ठीक है। तो रैंक आपके पास क्या आ जाएगा, रैंक आ जाएगा 2। तो ये ऑप्शन सी है। बेटा ये इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे, 5 6 मैंने आपको पहले लेक्चर में बना के दिए थे, अब ये 10 हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप ये एमसीक्यूज कर लेंगे तो आप बोर्ड के भी एमसीक्यूज कर लेंगे। इसके अलावा जो एंट्री टेस्ट नस्ट वगैरह एनएडी या डिफरेंट जो आपका यूनिवर्सिटीज़ है उनके जो एंट्री टेस्ट हैं उसके लिए भी आप इंशाल्लाह आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के लिए। तो बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।